जो मेरी प्राथमिकताएं हैं उस सीट पे, वो 11 सूत्री मैंने प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, उसको ख़त्म करने के लिए मैंने संकल्प लिया है। सबसे बड़ी चीज़ है वहाँ बेरोज़गारी की समस्या, क्योंकि बहुत से लोग, बहुत से ग्रामीण जो मैंने विजिट किया, वो सारे के सारे कहीं ना कहीं बेरोज़गारी के डंस से दसे हुए हैं। लेकिन कई पार्टियों ने कहा है ना कि बेरोज़गारी दूर करेंगे, युवाओं को साथ लेके चलेंगे, तमाम नारे दे रहे हैं, पर कैसे करेंगे ये कोई नहीं बोल रहा। पलायन जो है वास्तव में एक बहुत बड़ा अभिशाप है। शहरों में लड़के 10-10 हज़ार, 5-5 हज़ार की नौकरी के लिए जा रहे हैं, वो गांव में ही उसका रोज़गार उत्पन्न हो सकता है। तो स्वरोजगार को देना मेरी प्रथम प्राथमिकता है। ज्वालापुर सीट को आप एनालाइज करोगे, आपको खुद ही पता चल जाएगा कि जो लोग दावेदारी ठोक रहे हैं, उनका क्षेत्र में कोई पकड़ नहीं है। शायद इसी वजह से ये सीट बार बार कांग्रेस की होने के बाद भी ये जो है वहाँ से हाथ से फिसल जाती है, क्योंकि जो दावेदार हैं वो कोई प्रबल दावेदार नहीं है। कहने को तो कांग्रेसी हैं, पर वो कांग्रेस से इतने जुड़े नहीं हैं जो जनता के साथ जुड़ना चाहिए। ज्वालापुर सीट का करीब करीब 70% गांव जो है वनों से आधारित हैं, वन क्षेत्रों से लगे हुए हैं। वहाँ तमाम तरह की ऐसी समस्याएं हैं, जैसे ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट की बात कर लो, मानव वन जीव संघर्ष की बात करें, उस पर अगर हम बात करते हैं तो उससे काफ़ी लोगों को नुकसान है, उनके फसलों को नुकसान है, जान माल को नुकसान है। उसकी सुरक्षा देने के लिए आप राजकीय तंत्र में जो नियम कानून है उससे बियॉन्ड नहीं जा सकते। दुर्भाग्य ये है कि यहाँ से जो भी जनप्रतिनिधि है वो कभी भी इन समस्याओं से दो चार नहीं होता। आपको मैं बताना चाहूँगा कि यहाँ पे 3 हमारे विधानसभा में, वैसे तो 7 गांव ऐसे हैं जो टांगिया विलेज के नाम से जाने जाते हैं, वो टांगिया विलेज उनका न तो सेटलमेंट हो पा रहा है, 60 साल हो गए उनके सेटलमेंट नहीं किया गया, न किसी जनप्रतिनिधि को पता है। एक बड़ी प्राथमिकता वो भी मेरी है